हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशांत और मेरा चैनल नोना मोबाइल एंड टीवी सॉल्यूशन NMTS पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक 32 इंच का LED जो इंटेक्स कंपनी का है, वो डेड कंडीशन और पावर लाइट भी नहीं आ रहा है। उसको कैसे ठीक करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है, मैं प्रैक्टिकल वीडियो करके आपको दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा। चलो ठीक है, हम देखते हैं। इसको मैं खोल दिया हूँ बैक कवर, अभी इसको चेक करेंगे करंट अंदर आ रहा है कि नहीं। करंट मैं डाल दिया हूँ, अभी एसी सप्लाई चेक करेंगे। ये 240 सप्लाई ठीक आ रहा है। ओके, देखिए ये जो पॉइंट है ये करंट अंदर आ रहा है, इसी पर लगा है। अभी मैंने देख लिया तो करंट अंदर आ रहा है ठीक ठाक। अभी पावर सप्लाई का आउटपुट दिखाएंगे आपको। ये आउटपुट है 12 वोल्ट का सप्लाई, डीसी 12 वोल्ट। ये भी 12 वोल्ट भी सही बन रहा है, 12 वोल्ट सही बन रहा है, 12 वोल्ट सही बन रहा है। यानी कि एक आउटपुट, मेन आउटपुट जो LCD चलने के लिए 12 वोल्ट, वो सही ठीक ठाक आ रहा है। अभी दूसरा वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे जो मेन IC और बाकी जो प्रोग्राम IC उसको चलाने के लिए जो 5 वोल्ट पहले बनता है, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनता है, वो कॉइल के पास 5 वोल्ट आना चाहिए। ये भी 5 वोल्ट भी आ रहा है, 4.781 वो सही है, 5 वोल्ट के आसपास से चलेगा। देखिए ये वाला कॉइल के पास वो वोल्टेज चेक करना है, 5 वोल्ट वाला, ये सही है। उसके बाद चेक करेंगे उसका जो कोर वोल्टेज, वो कॉइल के पास आता है 1.2 के आसपास, वो भी आ रहा है 1.3, ये भी ठीक है। उसके बाद है उसका जो RAM सप्लाई 1.8, वो जो 3 लेग का रेगुलेटर होता है वहां से निकलता है, इसी पेन से 1.8 वो भी बनता है। और उसके बाद जो फ्लैश IC है, जो प्रोग्राम IC है, वो ये उसका प्रोग्राम IC, तो वहां से उसका 8 नंबर पिन सप्लाई है 3.3, वो भी परफेक्टली आ रहा है 3.3। ये रेगुलेटर से 3.3 वो निकलता है, वो भी सही निकलता है। मतलब जितना मैंने वोल्टेज चेक किया वो वोल्टेज 100 ही बनता है, फिर भी सेट नहीं ऑन होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि इसका पावर सप्लाई मैनेजमेंट पूरा ठीक ठाक है, वो मदरबोर्ड शायद पूरा ठीक ठाक है। अभी सामने और देखेंगे और कौन सा पड़ रहा है। यानी कि आप दिख रहे हैं सारे सप्लाई जहाँ जितना होना चाहिए वो परफेक्ट आ रहा है मेरा। अभी सामने देखेंगे, अभी पहले हम सॉफ्टवेयर करके बोर्ड को देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो मेन एक्सचेंज करेंगे। अभी सॉफ्टवेयर कैसे होना है मेरे को देखना है। ओके, आपको दिखाएंगे अभी सॉफ्टवेयर कैसे डालना है। आपको जैसे दिख रहे हैं कि मेरा वो सब ठीक ठाक है सप्लाई वगैरह, अभी हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे, वो इसको सॉफ्टवेयर लगाएंगे। ये है सॉफ्टवेयर करने के लिए, पहले ही ये जो प्रोग्रामर है RT809F, वही प्रोग्राम है, वहां से उसी प्रोग्रामर से सॉफ्टवेयर होता है। तो पहले क्या करेंगे, VGA केबल से वो मदरबोर्ड को प्रोग्रामर से कनेक्ट करेंगे। यानी कि RT809 से वो हमारा LCD का मदरबोर्ड अभी कनेक्ट करेंगे। अभी उसको दिखाओ डेस्कटॉप को, वो जो सॉफ्टवेयर है मैं उधर रखा है, वो ये RT809। हाँ वही है, वही बात। देखिए RT809F, इसमें वो हम फ्लैशिंग करते हैं। अभी इसको ओपन करेंगे, पूरा दिखाएंगे। विंडो ओपन हो गया, पहले ऑटो ISP करेंगे। जो ऑटो ISP से वो मेन बोर्ड को प्रोग्रामर से कनेक्ट करने के लिए ऑटो ISP करेंगे। उधर देख क्या लिखा है, ओके लिखा है। ये जो ओके लिखा है मतलब ये सही तरह से मदरबोर्ड से कनेक्ट हो गया। तो अभी क्या करेंगे, राइट करेंगे। उसका जो सॉफ्टवेयर मैंने कंप्यूटर से पहले से ही रखा है, उसका सॉफ्टवेयर, ये उसका मॉडल नंबर है, इसको दिखाओ। मॉडल नंबर है LED 3108, उसका सॉफ्टवेयर मैंने पहले से कंप्यूटर में रखा है। अभी क्या करेंगे,
ओपन करेंगे, ओपन करेंगे और सॉफ्टवेयर निकालेंगे कहां से है सॉफ्टवेयर। कोई है एलईडी इंटेक्स एलईडी 310 उसको ओपन करेंगे, मैंने ओपन कर दिया। अभी राइट करेंगे कैसे प्रोग्रामिंग होता है मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूं। वो राइट है, वहां पर क्लिक करेंगे, ऑटो इरेजिंग हो रहा है, मतलब ये जो पुराना वाला सॉफ्टवेयर है जो करप्ट हुआ है उसको ये इरेज कर रहा है। वो थोड़ा टाइम लगता है, अभी इरेज सक्सेसफुल लिखा है, राइटिंग हो रहा है। इसका विंडो है जो RT809F का विंडो है ये, अभी चल रहा है। वो थोड़ा टाइम लगता है, 2 मिनट आसपास लग जाता है क्योंकि ये 8 MB का फाइल होता है। देखते रहे ये चलता रहे अभी फ्लैशिंग। आप तो अभी सोच रहे होंगे कि RT809 क्या है। RT809 एक फ्लैशर है जो कि LCD LED को फ्लैश करता है। वो इसका फ्लैशिंग जो इंस्टॉलेशन आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। आपको दिखना है तो मेरे दूसरा वीडियो मेरा है उसमें मैं कैसे इंस्टॉल करना है RT809 में डाला हूँ, मेरा चैनल पे आप देख लीजिए। अभी वो चल रहा है वो फ्लैशिंग, शायद और 2 मिनट ही लगेगा। ये पहले से मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ मेरा। ये जो RT809F से कैसे फ्लैशिंग होता है वो उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में उसका डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। अभी राइटिंग सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद ऑटो वेरीफाइंग चल रहा है। ऑटो वेरीफाइंग का मतलब है जो सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड को सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुआ वो सही तरह से इंस्टॉल हुआ कि नहीं, इसलिए वो ऑटो वेरीफाई हो रहा है। वो भी थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट के अंदर ऑटो वेरीफाइंग हो रहा है। जो मेरा चैनल पर जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो बहुत यूजफुल वीडियो है, वो आपको देखना होगा, वो लास्ट तक देखना होगा ये वीडियो। अभी ये ऑटो वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया। अभी चेक करेंगे क्या हुआ। ये देखो ये पावर लाइट भी आ गया, अभी उसको ऑन करेंगे, फिटिंग करेंगे उसको जैसा कि वैसा था। वो जो डिस्कनेक्ट करेंगे वो जो उसका, अभी उसको पावर लगाएंगे। उसके बाद देखो वो ग्रीन इंडिकेटर भी आ गया, लेकिन थोड़ा ऑन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इंटेक्स का सॉफ्टवेयर ऐसे ही होता है। इंटेक्स आ गया मतलब उसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था, वो सही तरह से ठीक हो गया सर। अभी पिक्चर लगा के चेक करेंगे। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, ठीक है।